राजस्थान से आए दिन दलित उत्पीड़न के मामले सामने आते रहते हैं। नया मामला राजस्थान के अजमेर से है, जहां एक दलित युवक को फूड कोर्ट के कैंपर से पानी पीने से बस इसीलिए रोक दिया गया क्योंकि वह दलित है। बता दें कि अजमेर के पहाड़गंज निवासी विशाल बाकोलिया जब वह रविवार को अपनी ड्यूटी करने सुभाष उद्यान पहुंचे तो वह लगभग 10:30 से 11:15 के बीच फूड कोर्ट में रखे कैंपर से पानी पीने गए। विशाल ने जैसे ही कैंपर में हाथ डाला तो वहां मौजूद कुछ जातिवादी लोगों ने उन्हें जाति सूचक शब्दों के साथ अपमानित किया और बाहर रहकर पानी पीने को कहा। पीड़ित के अनुसार जाति सूचक गालियां देने वाला व्यक्ति गोविंद सिंह है। इतना ही नहीं, उनके साथ बदसलूकी भी की गई जो वहां के सीसीटीवी में कैद है। पीड़ित ने कोतवाली थाने में रिपोर्ट देकर मुकदमा दर्ज कराया है। पीड़ित का आरोप है कि विशाल जहां काम करता था शिवम एंटरप्राइजेस, वहां के ठेकेदार ने उसे नौकरी से निकाल दिया है और मामले में FIR तक लगवाने की धमकी दे डाली है, जिससे पीड़ित काफी परेशान है। आइए सुनते हैं पीड़ित युवक की आप बीती। पानी के कैंपर में जैसे मैंने हाथ डाला था तो उसके द्वारा मुझे जाति सूचक शब्द कहे गए और मुझे अपमानित किया गया। वहाँ पे कार्यरत कर्मचारी भी वहाँ पे मौजूद थे और जिसकी मैंने रिपोर्ट कराई। इस वजह से अब ये जब मैंने मुकदमा कराया था तो अब मुझे इस चक्कर में फिर अब मुझे ठेकेदार द्वारा नौकरी से भी निकाल दिया गया है। 20/11/2022 यानी कल रविवार के दिन की घटना है, जो शिवम एंटरप्राइजेस की जो फर्म है जिनके टेंडर है नगर निगम का, सुभाष उद्यान का है, मित्तल पार्किंग था, तो मित्तल पार्किंग में मेरी ड्यूटी थी तो पार्किंग से मेरी ड्यूटी सुभाष उद्यान में शिफ्ट की गई थी। तो मैं सब मॉर्निंग में जब पहुंचा था तो मैं पानी पीने के लिए, जैसे ही मैंने फूड कोर्ट के अंदर प्रवेश किया तो वहां पर कार्यरत कर्मचारी गोविंद सिंह नाम के जो व्यक्ति है उसने पानी के कैंपर में जैसे मैंने हाथ डाला था तो उसके द्वारा मुझे जाति सूचक शब्द कहे गए और मुझे अपमानित किया गया। वहां पर कार्यरत कर्मचारी भी वहां पर मौजूद थे और जिसकी मैंने रिपोर्ट कराई है और माननीय श्री छवि शर्मा जी इसकी IO इन्वेस्टिगेशन ऑफिस FIR लगाने के लिए मुझे कहा गया है कि इसके अंदर कि इसमें FIR लगा दी जाएगी कि यदि अगर आपने ये कहा। मैंने कहा कि पानी ही तो पी रहा हूँ, क्या हो गया इसमें? तो बोले बाहर निकल और बाहर से पानी मांग। ऐसे करके फिर मैं बाहर उस फुटेज के अंदर है कि फिर मैंने गिलास से पानी बाहर आकर के पिया। ऐसा ही एक मामला कर्नाटक के चमराज नगर से भी सामने आया है, जहां एक दलित महिला के ब्राह्मणों की टंकी से पानी पीने की वजह से उस टंकी को पहले गौमूत्र से शुद्ध करवाया गया और उसके बाद पानी पिया गया। हालांकि तहसीलदार बसव राजू को शिकायत करने के बाद अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर दलितों को उसी टंकी से पानी पीने की न केवल अनुमति दी बल्कि गांव भर में छुआछूत और भेदभाव न करने की चेतावनी भी दी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए। जय भीम।